Hi, today is January 9, 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Look at this headline Ukraine plane crash in Iran kills all 176 on board. This is a very unfortunate accident. इसमें एक टर्म होता है ब्लैक बॉक्स व्हाट डू मीन बाय ब्लैक बॉक्स ये एक मिसनोमर होता है मिसनोमर का मीनिंग जो उसका नाम बताता है वो एक्चुअल में है नहीं सो दिस इज़ नॉट ब्लैक इन कलर ये एक ऑरेंज कलर की डिवाइस होती है ये एक फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मीन्स इसमें फ्लाइट रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशनस और पैरामीटर्स हैं लाइक फ़्लाइट एल्टीट्यूड स्पीड ऑफ प्लेन एट्सट्रा वो रिकॉर्ड होते हैं और जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये डिवाइस बहुत रॉबस्ट होती है इसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि इवन आफ्टर एक्सीडेंट ये डिवाइस डैमेज नहीं होती है इस डिवाइस की स्टडी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वॉट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग दैट प्लेन एक्सीडेंट नाउ लुक एट दिस हेडलाइन ट्रम्प बैक्स अवे फ्रॉम फर्दर कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर ईरान हिट्स यू एस ट्रूप्स यू एस में यू एस ने इराक की सॉइल में ईरान के कूद्स आर्मी जनरल जनरल सोलेमानी का असेसिनेशन किया था इसके बाद यूएसए और ईरान में काफ़ी टेंशन इंक्रीज हो गए थे ईरान ने कहा कि वो रिटेलिएट करेंगे दे विल अवेंज नाउ इराक ने मीन बोला कि जो यूएस की फोर्सेस हैं इराक सॉइल पे, वो उनको हटाया जाए विदड्रॉ किया जाए यू की फोर्सेज इराक में क्यों थी वो वहाँ पर थी टू फाइट आई एस नाउ द जॉब इज़ डन इराक की पार्लियामेंट ने कहा लीव ईरान ने कहा है विल एंड यू एस प्रजेंस इन वेस्ट एशिया अब ये वेस्ट एशिया का मीनिंग क्या होता है सी ये अपना इंडिया है इंडिया के लेफ्ट में पाकिस्तान है इसके पाकिस्तान के बाद चालू हो जाता है वेस्ट एशिया पाकिस्तान इंडिया ये सब कहलाते हैं साउथ ईस्ट सदरन एशिया साउथ एशिया कहलाते हैं और जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो साउथ ईस्ट एशिया कहलाते हैं पाकिस्तान इंडिया नेपाल ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहलाता है सो दिस इज़ वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया में ट्वेंटी कंट्रीज़ हैं और अराउंड थ्री हंड्रेड मिलियन की पॉपुलेशन है पाकिस्तान के बाद जो ईरान है यहाँ से वेस्ट एशिया चालू हो जाता है और ये जाता है टर्की तक ये जो टर्किश स्ट्रेट है ये इसे सेपरेट करती है यूरोप से यूरोप और टर्की जो है वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है देन इसके साउथ में है इस्टमस ऑफ स्वेज़ ये जो स्वेज है इसे अफ्रीका से सेपरेट करती है देन सेंट्रल एशिया सी कंट्रीज़ इज़ इन north of West Asia. So this way West Asia includes Anatolia, Arabian Peninsula, Iran, Levant, Mesopotamia, Sinai, Transcaucasian area, 20 countries and 300 million people. Now they are saying ki they will end US presence in this West Asia region. Now look at this headline, cabinet node on FDI in coal mining. वॉट यू मीन बाई एफ डी आई सी ये एक फॉरन कंट्री है और ये है हमारा इंडिया इस फॉरन कंट्री की ऑनरशिप में इंडिया में अगर कोई बिजनेस लेके आता है मनी लाता है और उस बिजनेस की ऑनरशिप भी लेता है देन देट इज़ कॉल्ड एफ डी आई एफ डी आई में फिजिकल प्रजेंस होती है एफ डी आई से टेक्निकल नोहाउ आता है कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ग्रोथ आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है सो दैट इज़ वाई हम एफ डी आई को बहुत पसंद करते हैं वी लव एफ डी आई बट एफ डी आई के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं कंट्री की सोवर्निटी और जो लोकल पीपल हैं उनका एम्प्लॉयमेंट एंड राइट्स कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं तो डोमेस्टिक कंपलशन के कारण हम कई बार एफ डी आई कुछ फील्ड्स में रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं और इसी का अभी अप्रूवल हुआ है कैबिनेट नोट ऑन एफ डी आई इन कोल माइनिंग इसमें इन्होंने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 इन दोनों पे ऑर्डिनेंस लेके आई है गवर्नमेंट और अब क्या होगा कि एनी वन टू पार्टिसिपेट इन द ऑप्शन ऑफ कोल ब्लॉक्स कोल का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना अभी गवर्नमेंट का टारगेट है बिकॉज इंडिया में सफिशियंट अमाउंट ऑफ कोल और रिजर्व हैं बट स्टिल वी आर इम्पोर्टिंग अ लार्ज लार्ज सम ऑफ कोल फ्रॉम फॉरन कंट्रीज सो द आइडिया इज टू प्रॉपरली यूटिलाइज एंड प्रॉपरली टेक आउट द कोल रिजर्व विच आर प्रजेंट इन इंडिया इसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है इन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हमने दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हमने अगर सारे कंडीशंस मेट कर रहे हैं सारी गाइडलाइंस फिल हो रही है पेपर वर्क इज़ गुड देन यू कैन गो अहेड सो दिस इज कॉल्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल नाउ इसमें एक और बात है इधर आया है ऑर्डिनेंस वॉट यू मीन बाई ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस का मीनिंग होता है जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो गवर्नमेंट किसी इमरजेंसी नीड को फुलफिल करने के लिए प्रसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है तो ये ऑर्डिनेंस बहुत ईजी हुआ ईजी हुआ मतलब दिस इज एज गुड एज़ वन टू थ्री सो आर्टिकल वन टू थ्री में ऑर्डिनेंस का मैंशन है ये प्रेसिडेंट देता है और ये तब देता है जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन इस पार्ट ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद आपको सिक्स वीक्स के अंदर इसे पार्लियामेंट से पास अप्रूव कराना पड़ता है सो दिस इज़ अबाउट ऑर्डिनेंस एफ एंड कोल माइनिंग दिस इज पेज नंबर वन नाउ लेट एस मूव टू पेज नंबर टू दिस इज पेज नंबर टू देन दिस इज पेज नंबर थ्री दिस इज़ पेज नंबर फोर डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स ए क्यू आई सफ़र सिक्स ग्रेडिंग्स नो ऑल अबाउट दीज थिंग्स देन पेज नंबर फाइव हियर इट इज़ रिटर्न हैवी स्नोफॉल रेन ब्रिंग्स लाइफ टू स्टैंड स्टिल इन हिमाचल में अभी स्नो फॉल हो रहा है नाउ टेल मी जो भी हिली एरियाज हैं या जहाँ पे कोल्ड कंडीशन हैं स्नो फॉल होता है वहाँ पर विंटर्स के टाइम पर जो वाटर पाइपलाइंस होती हैं ये फट जाती हैं वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इसका रीज़न ये होता है कि जो वाटर है तीन स्टेट्स ऑफ होती है मैटर सॉलिड लिक्विड गैसेस अब ये जो वाटर पाइपलाइन में फ्लो होता है ये होता है लिक्विड जब टेम्परेचर फॉल होता है तो ये वाटर लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में बट हमने ये पढ़ा है सॉलिड में कन्वर्ट होने के कारण मैटर ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है कॉम्पैक्ट हो रहा है मतलब उसका जो साइज़ है वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना चाहिए बट वाटर के केस में उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है और ये वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो ये जो पानी जमने के बाद इस पाइपलाइन को फाड़ देता है सो दिस इज़ वाई वाटर पाइप्स फ्रीज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अफेक्टेड ये जो पाइप्स हैं ये यूजुअली इन कोल्ड एरियाज़ में फट जाते हैं जो वाटर है वो एक्सपैंड इसलिए होता है बिकॉज वाटर जो होता है वो पोलराइज होता है इसमें जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका अलाइनमेंट प्रॉपर हो सो so दैट उनकी पोलैरिटी मेंटेन रहे अब डेंसिटी इंक्रीज़ होती है इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे डेंसिटी इंक्रीज होती है दैट इज़ वाई जो लिक्विड से जब सॉलिड जाता है तो उसका डेंसिटी इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है बट एक फेज ऐसा आता है जहाँ पे वो वॉल्यूम सडनली इंक्रीज होता है और उसी के रीज़न के कारण जो पाइप बर्स्ट था वेरी कॉमन दिस इज़ बिकॉज ऑफ पोलैरिटी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अलाइनमेंट जो इस वाटर में होते हैं इस टेम्परेचर पर ऑल सो दिस इज पेज नंबर फाइव दिस इज पेज नंबर सिक्स this is page number 7 and this is page number 8 harvesting sugarcane ahead of the pongal festival so what is pongal festival pongal festival ek 4 din lamba festival hota hai इसका होता है ये थाई मंथ में होता है pongal का meaning होता है to boil ये harvesting festival है basically इधर हम थैंक्स गिविंग करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट जो अभी राबी की क्रॉप्स है इसके बाद हम जब, जब इनका हार्वेस्ट आता है तो हम इसे पोस्ट हार्वेस्ट थैंक्स गिविंग फेस्टिवल मनाते हैं इसके जो चार दिन होते हैं उसमें पहला दिन होता है भोगी सेकेंड इज़ थाई थर्ड इज़ माथू एंड द फोर्थ इज कन्नम सो इस तरीके से फोर डेज लॉन्ग पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं साउथ इंडिया में होता है और तमिलनाडु में होता है बेसिकली ये सो दिस इज़ अबाउट पोंगल नाउ दिस इज़ पेज नंबर एट दिस इज़ पेज नंबर नाइन री ग्रासिंग इज मैंडेटरी आफ्टर माइनिंग रूल्स सुप्रीम कोर्ट जब हम माइनिंग करते हैं तो दो तरीके से करते हैं एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग मतलब हमने यहाँ पे रिजर्व्स में ऊपर गड्ढा किया सारे जो रिजर्व्स निकालने थे वो निकाल लिए अब ये एरिया तो आपका डिस्ट्रॉय हो गया सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब माइनिंग ओवर हो जाती है तो इस एरिया में फिर से आप प्लानेशन करो और ग्रासिंग करो यहाँ पे ग्रीन कवर फिर से आपको डेवलप करना है सो माइंड एरिया सो देट बायोडाइवर्सिटी गेट्स अ सेकेंड चांस इन दीज कार्ड लैंडस्केप्स देखो ये ऐसे लैंडस्केप हो जाते हैं यहाँ पे ये पूरा लैंडस्केप है माइनिंग के बाद का तो यहाँ पर आपको फिर से ग्रीनरी लाना है दिस इज वॉट सुप्रीम कोर्ट हैजोल्ड एनवायरमेंटल इशूज कॉज बाय माइनिंग इंक्लूड इरोजन फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल्स लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इरोजन मतलब टॉप लेयर ऑफ सॉइल हट गई है सिंक होल मतलब गड्ढे बन गए हैं बायोडावर्सिटी का लॉस हुआ है कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल है ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर बाय केमिकल्स फ्रॉम माइनिंग प्रोसेस एंड द इफेक्ट्स पर्जिस्ट फॉर ईयर्स द कोर्ट हैज टोल्ड सो इसका पर्पज़ होगा कि हम री स्टोर करें लैंड को टू अ कंडीशन विच इज फिट फॉर ग्रोथ ऑफ फॉर्डर फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे फोना मतलब एनिमल सो अब ये न्यूज़ है टू थाउजेंड नाइनटीन वॉज सेवेंथ वॉर्मेस्ट ईयर सिंस नाइनटीन ओ वन मतलब नाइनटीन वन के बाद के पूरे सौ साल हम देखें ना तो ये सेवंथ वार्मेस्ट ईयर है लिस्ट में सेवंथ रैंक पे आएगा ये सेवंथ वार्मेस्ट ईयर सिंस नाइनटीन वन ग्लोबल वार्मिंग इज रियल टेम्परेचर कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है सो दिस इज वॉट दे हैव सेड ईयर हमें अभी भी टाइम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना चाहिए एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत है दिस इज अबाउट फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर यूएस ईरान में टेंशन है एक टाइम पे दो तीन दिन पहले ऐसा लग रहा था वर्ल्ड वॉर थ्री होने वाला है जिस तरीके से लीडर्स अपने स्टेटमेंट दे रहे थे ईरान ने इराक में जो दो यू के बेसिस है एरबिल और दूसरा है अल असद ये दोनों बेसिस हैं यूएस मिलिट्री के इराकी कुर्दिस्तान एरिया में यहाँ पर ईरान ने रॉकेट्स फायर किए थे अब फॉरेन मिनिस्टर जावेद जारिफ ने कहा कि जो आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का वो अलाउ करता है मेंबर स्टेट्स टू

आम की तरह रहते हैं एट सम टाइम्स देन इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई हैम्पर होगा गल्फ वाटर वेज से यू एस प्रेसिडेंट ने कहा कि वी आर सेल्फ सफिशेंट इन ऑयल नाउ बट वॉट अबाउट द वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन दिस ऑयल सप्लाई सो अगर इस रीजन में टेंशन होगा तो इंडिया चाइना और जो दूसरे कंट्रीज हैं इनकी ऑयल सप्लाई को हैम्पर होगा मीन्स इकोनोमी पे हैम्पर होगा बाई एनी असेसमेंट अ डायरेक्ट वॉर वुड हैव बीन कैटेस्ट्रॉफिक एंड ईरान शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर डीएसकेलेशन वॉर इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस और वॉर को हर केस में अवॉइड करने की बहुत जरूरत है ना दिस इज अबाउट रियालिटी चैक हमारी जो इकोनॉमी है इट्स अ फैक्ट इट इज़ नॉट डूइंग वेल नाउ मिसप्लेसड ऑप्टिमिज्म नीड्स टू सीड ग्राउंड टू टेंजिबल पॉलिसी इंटरवेंशन सो देर इज नो नीड टू डिफेंड इट लेट्स एक्सेप्ट इट दैट इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल नाउ लेट्स गो फॉर रिफॉर्म्स और जो नेसेसरी मेजर्स हैं उसको पूरा करने की ज़रूरत है इकोनॉमी अच्छा नहीं करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल सर्टेन थिंग्स डेंट वर्क आउट सो दिस इज द टाइम वॉट इज डन इज डन नाउ लेट मूव एक्सेप्ट द फिगर्स एंड ब्रिंग द रिफॉर्म्स एंड नेसेसरी चेंजेस दिस इज वॉट दे हैव टॉक्ड हियर जितने भी इंडिकेटर्स हैं आर के और जो डेटा है एन का सब बोल रहे हैं कि इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गेट गुड सो रेडिकल सॉल्यूशंस फिजिकल डेफिसिट इट मे बी टाइम फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस एंड विद द क्लाउड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डार्कनिंग ओवर द क्रूशियल एनर्जी सप्लाइंग वेस्ट एशियन रीजन इंडियाज इकोनॉमी विल बी इवन मोर वनरेबल नाउ टू अनादर ऑयल प्राइस शॉक क्लियरली इट इज टाइम टू एक्सपीडाइड टेंजिबल पॉलिसी इंटरवेंशन दिस इज वॉट देव टॉक्ट हियर नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ये मुकुल संवाल ने लिखा है ये मुकुल सवाल है ये फॉर्मर यू एन डिप्लोमैट है इन्होंने लिखा है कि मल्टी लेटरल ऑल्टरनेटिव बाई एशिया ये जो सेंचुरी आ रही है ये एशिया की सेंचुरी है और एशिया में दो बड़े पावर है इंडिया एंड चाइना द थीम ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट इंडिया एंड चाइना को पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढने चाहिए कोऑपरेशन के पॉइंट ढूंढने चाहिए और जो इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दे शुड ट्राई टू आयरन दैट आउट जैसे रिसेंटली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर इशू है उस पर अभी स्टेट्स में आए हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से कि दे वॉन्ट टू सॉल्व दिस इशू दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड द कंट्रूज ऑफ द न्यू ऑर्डर विद इंडिया एंड चाइना एस की प्लेयर्स शुड नॉट बी सीन थ्रू अ वेस्टर्न प्रिजम चाइना बहुत एंशंट सिविलाइजेशन है इंडिया बहुत एंशंट सिविलाइजेशन है इन कंपेरिजन ऑफ दिस अमेरिका एंड देयर वर्ल्ड ऑर्डर सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिविलाइजेशन बाय देयर सिविलाइजेशनल लेगेसी नॉट बाय द वैल्यू सिस्टम दैट इज डिराइव फ्राम द वेस्टर्न थिंकर्स आफ्टर अ गैप ऑफ टू हंड्रेड ईयर्स एशियन इकोनॉमीज़ आर अगेन लार्जर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कम्बाइंड ये एशियन सेंचुरी है नाइनटीन एटी एट में डैंग जियोपिंग ये बहुत बड़े फेमस थिंकर रहे हैं और हेड भी रहे हैं चाइना के इन्होंने और राजीव गांधी इन्होंने नाइनटीन एटी एट में कहा था कि दिस इज दिस वुड बी एन एशियन Century, re-emergence of two countries leveraging size and technological competence to shape a new world that reflects their civilizational values. The travels of the West, for example, stagnating incomes of the middle class and also climate change confirm that the global division is now based on values, as has been the case throughout civilization. So, in one bula, Belt and Road Initiative, hai, Asian Infrastructure Investment Bank Jobanayata. ये दोनों अच्छे स्टेप्स थे सोलर अलाइंसिस इंडिया जो इनिशिएट ले रहा है दीज आर राइट स्टेप फॉरवर्ड बट दोनों कंट्रीज़ में जो मिस इन्फॉर्मेशन है या ट्रस्ट डेफिसिट है या एक दूसरे के जो वैल्यूज और थॉट्स एंड सिंपैथी नहीं है एक दूसरे के लिए उसके कारण ये अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कई बार सफ़र करते हैं देन वी नीड टू हैव म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक न्यू फ्रेमवर्क की ज़रूरत है वी नीड टू डिफाई यू एस हैजे दिस इज़ वॉट ज़ रिटर्न ओवर हेयर और इसका एग्जाम्पल भी है जैसे हुवावी 5G फाइव जी टेक्नोलॉजी को यू एस ने बैन किया है बट स्टिल इंडिया ने उसे अलाउ किया है इंडिया में फाइव जी ऑप्शन को पार्टिसिपेट करने के लिए पोटेंशियल ऑफ बी आर आईज टॉक्ड अबाउट देन न्यू वैल्यूज द कंट्रीज ऑफ द न्यू ऑर्डर शुड नॉट बी सीन थ्रू अ वेस्टर्न प्रिज्म अ वेरी गुड स्टेटमेंट द कंट्रीज ऑफ द न्यू ऑर्डर शुड नाट बी सीन थ्रू अ वेस्टर्न प्रिज्म नाउ वॉट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ फ्लग एशिया फॉर्म टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड जी डी पी एंड कोलोनियलिज्म नॉट स्टेगनेशन लेट टू डिक्लाइन ऑफ द एशियन जाइंस देर री इमरजेंस इज नॉट पार्ट ऑफ अ ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन द बॉर्डर प्रॉब्लम टू इज अ रेमनेंट ऑफ कोलोनियलिज्म एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रेशन अगर आप हिस्ट्री में देखें ना तो बी इट इंडिया वर्सेज पाकिस्तान इंडिया वर्सेस चाइना और बीट बांग्लादेश जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं ये कोई रूट प्रॉब्लम कंट्री की नहीं थी ये प्रॉब्लम हुई इन ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तो उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं था वो इन इश्यूज़ को प्रॉपरली सॉल्व नहीं किए वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते थे तो ये जो भी आज की प्रॉब्लम्स हैं ना इनका रूट हमारी सिविलाइजेशन वैल्यूज़ में कमी नहीं है द प्रॉब्लम इज इन दिस रेमेंट ऑफ कोलोनियलिज्म है दिस इज़ वॉट यीज ट्राइड टू कन्वे हीयर यू एस एफर्ट टू मेंटेन हेजमनी इकोनॉमिक अच्छा अब जो वर्ड हो रहा है वो मल्टीलेटरल है देर इज नो डाउट सिक्योरिटी द यू एस एफर्ट्स टू मेंटेन हैजमनी इकोनॉमिक चाइना इज एम्फेसिस ऑन कनेक्टिविटी मार्केट्स एंड ग्रोथ एंड इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया लेड फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एज अ पब्लिक गुड बाई ट्वेंटी थर्टी देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ट्रायम वायरेट ये तीनों का यहाँ पे कन्वर्जेंस इंटरेस्ट के हो सकते हैं सो दिस इज़ वॉट ये स्टॉक्ड अबाउट हियर ये जो आर्टिकल है ये इन्होंने तबीश खैर ने लिखा है तबीश खैर इज़ इंडियन नोवलिस्ट एंड अकेडमिक हो टीचर्स इन डेनमार्क इन्होंने बताया है जो इस्लामोफोबिया एक टर्म वर्ड में आजकल दिख रहा है तो वी नीड टू वर्क टू डिस्पेंस दिस इस्लामोफोबिया एट द सेम टाइम वी नीड इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफोम विच आर नेसेसरी टू टेक प्लेस देन इन्होंने एक रनिंग कमेंट्री यहाँ पर दिया है कि वॉट इज हैपनिंग ये जो नया डायरेक्शन में हम मूव हो रहे हैं जहाँ पे हम नेशनल आइडेंटिटी के बजाय रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रेफ्रेंस दे रहे हैं इट शुड नॉट बी एनकरेज दैन सो दिस इज वॉट यस टॉक्ड अबाउट योर देन दिस इज पेज नंबर एलेवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटरी टिल्ट यह बहुत अच्छा आर्टिकल है इसमें यह लिखा है कि जैसे वी शुड नो अबाउट इंडिया फर्स्ट इंडिया एक यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज़ द नेम ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया इसमें ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं नाइन यूनियन टेरेटोरीज हैं और ये एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स मतलब ये स्टेट्स टूट फूट हो सकती है मर्ज हो सकते हैं नए स्टेट्स फॉर्म हो सकते हैं बट इंडिया में कोई चेंज नहीं आएगा अनलाइक यू एस एू एस ए में इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन नहीं है ना इंडिया जो है वो ना तो फेडरल है और ना ही यूनियन है यूनियन लाइक यूएसएसआर टाइप नहीं है यूके टाइप नहीं है और फेडरल लाइक like वो यूएसए टाइप भी नहीं है ये अपने आप हाँ में एक यूनिक केस है फेडरल के जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हैं जैसे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डिवीज़न ऑफ पावर है हमारी तीन लिस्ट होती है यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है तो ये जो फीचर्स हैं ये बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है एट द सेम टाइम जो यूनिटरी फीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि स्टेट्स का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है राजस्थान का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो राज्यसभा है वहाँ पे अनईक्वल रिप्रेजेंटेशन है यूपी से ज्यादा मेंबर आ रहे हैं एमपी से कम आ रहे हैं सो देर इज एन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन सिंगल सिटीजनशिप है कोई डुबल सिटीजनशिप नहीं है सिंगल जुडिशरी है हाई कोर्ट देन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट दिस इज अ सिंगल जुडिशरी ऑल इंडिया सर्विसज है एंड बाय कैमरल लेजिसलेचर है बाय कैमरल मतलब एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है सो दीज थिंग्स टेल कि इंडिया इज अन सो हम कह सकते हैं इंडिया एक क्वासी जुडिशल कंट्री है मतलब यूनियन भी है और फेडरल uh, भी है दिस इज अ फाइन बैलेंस नाउ इधर ये लिखा है कि जो स्टेट्स हैं जैसे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बोल रहे हैं कि हम इसे यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे दिस इज नॉट ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज आर्टिकल 256 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अगर ये नहीं करेंगे देन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है अंडर आर्टिकल 356 एंड 365 और ये एस आर बुम्बाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये अप्रूव भी हो गया था ऐसा पॉसिबल है ना बट दिस इज़ नॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है उसकी थीम को भी समझने का ज़रूरत है और जो थीम ये बोलता है कि जो स्टेट्स हैं उनका विलिंगफुल कोऑपरेशन भी ज़रूरी है कोऑपरेटिव कोऑपरेशन ऑफ फेडरल कोऑपरेशन इसका नाम देते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सो इस आर्टिकल में बात किया है वी नीड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस एंड स्टेट्स एज वेल एज सेंटर शुड अंडरस्टैंड ईच अदर एंड मूव फॉरवर्ड नाउ दिस इज़ अबाउट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ये इसमें इन्होंने अर्जुन सुब्रमण्यम arjun subramanyam retired air vice marshal of indian air force and former faculty member at national defense college he has said we need reforms in army you know 2008 may strategic analyst fa friedman highlighted the track changes needed for the us military the first is that generals admirals and air marshals must move away from their comfort zone of being in charge on the battlefield and smoothly make the transition to being कॉम्बेट इनेबलर्स एंड पॉलिसी एडवाइजर दीज आर टू डिफरेंट थिंग बैटल ग्राउंड में आपने जो वर्क किया है एंड देन पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन है ये दोनों में डिफरेंस होता है तो जो जनरल्स हैं हेड्स हैं उनको पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन मतलब जो थिंकिंग हैड्स हैं उधर भी उनको इनेबलर बनना पड़ेगा क्योंकि जो वॉर का कैरेक्टर है वो चेंज हो गया है द मोर इमीजिएट चैलेंज रेस्ट इन द सब कन्वेंशनल एंड लिमिटेड वॉर डोमिन पहले जैसी वॉर होना बहुत मुश्किल है जहाँ गन लेके आमने से एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं अब जो वॉर होती है वो होती है क्विक और नए थिएटर ऑफ वॉर अभी इन जनरेट हो रहे हैं तो इधर ज़रूरत है प्रोफिशंसी एंड ऑटोनॉमस लीडरशिप क्वालिटी एट द यूनिट बटालियन स्क्वाड्रन एंड ब्रिगेड लेवल विद द सीनियर लीडरशिप Playing primarily a facilitating role, so this is what they have talked about. That we need senior city, senior leadership. Ke, professional military education, is very much important. So we need to put our house in order. While creation of world-class infrastructure is important, unless we have the right faculty and idea content developers, the NDU stands no chance of matching up. सिमिलर इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्लोबल अरेना जो भी एक वॉर होती है ना वॉर 50% परसेंट प्लानिंग होती है और 50% परसेंट एग्जीक्यूशन होता है एग्जीक्यूशन इज नो डाउट इंपॉर्टेंट बट प्लानिंग स्ट्रैटेजी अप्रोच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर दैट नीड वी डू नीड दिस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी दिस इज हाई टाइम नाउ दिस इज द एज ऑफ एजिटेशंस फायर एंड फ्यूरी ये कुछ डेटा पॉइंट में आज है पॉइंट्स है पहला है सीयरिंग हीट ऑस्ट्रेलिया में जो फायर हो रहा है बुश फायर हैं और बहुत सीवियर है उसके रीजंस यहाँ पे दिए हैं सीयरिंग हीट 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 1.5 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म था देन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 61 मतलब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है देन बोन ड्राई बोन ड्राई मीन्स यहाँ पर रेनफॉल नहीं हुआ है लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉजेज फ्यूल लोड टू ड्राई अप एंड बिकम मोर इनफ्लेमेबल अच्छा फ्यूल लोड क्या है कि जो पेड़ होते हैं और ये पौधे होते हैं पेड़ होते हैं इनकी लीव्स शेड होती है देन ट्री का जो ट्रंक होता है ये फॉर्डर की तरह काम करते हैं फॉर फायर ये जब ड्राई हो जाते हैं तो ये बहुत इजीली फायर इन में कैच हो सकती है देन एक्सट्रीम ब्लेज जो आया है वो इन सब का एक कलमिनेशन है कि हीट बहुत ज़्यादा थी फोडर मटेरियल कलेक्ट हो गया इस फॉडर में को एक बस स्पार्क चाहिए थी रेनफॉल नहीं हो रहा था टेम्परेचर हाई था सो ये सब मिलके इतना आ, सीवियर यहाँ पे फायर को जनरेट कर दिए हैं सो दिस इज पेज नंबर इलेवन दिस इज पेज नंबर यहाँ पे पेज नंबर दिस इज पेज नंबर ट्वेल्व यहाँ पे बात किया है कि एक नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ग्रिड हमने सेटअप करना है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने कहा है कि एक वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलेगी द पर्पज इज गुवाहाटी इन असम टू मेजर सिटीज इन द रीजन सच एज ईटानगर दीमापुर कोहिमा इम्फॉल एंड नुमालीगढ़ अगरतला आइस वॉल इनको पाइप्ड कुकिंग गैस देना है हाउस होल्ड में एंड सी एन जी टू ऑटोमोबाइल्स बिसाइल्स फ्यूल टू इंडस्ट्री सो फॉर दैट इन्होंने नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड का यहाँ पे बात किया है और इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग है सिक्सटी परसेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब एक प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है बट वो वायबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज वहाँ पे रेवेन्यू नहीं आ पाएंगे या फिर प्रॉफिट नहीं हो पाएंगे तो उसके लिए उसको वायबल बनाने के लिए जितना जो लॉस हो रहा होता है वो गवर्नमेंट एक वी जी एफ वायबिलिटी गैप फंडिंग से उस लॉस की भरपाई कर देती है तो ये प्रोजेक्ट फिर वायबल हो जाता है सो दिस इज़ ट्वेल्व देन दिस इज़ पेज नंबर थर्टीन ये यूथ गेम हो रहे हैं ये थर्ड एडिशन है यूथ गेम का यूथ गेम में अंडर सेवेंटीन और अंडर ट्वेंटी वन बच्चे होते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी है ये ग्रास रूट गेम्स हैं इनका पर्पज़ है कि ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को लेके आना ऊपर नाओ दिस इज़ पेज नंबर थर्टीन पेज नंबर फोर्टीन वेस्ट एशिया से यू एस का प्रजेंस एंड करने की बात है कॉन्फ्लिक्ट आगे कैसे बढ़ेगा सी दीज आर ऑल स्पैक्यूलेशन वी नो द बेसिक थिंग वॉट इज हैपनिंग ना दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट स्पैक्यूलेशन की क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है एट एनी कॉस्ट वॉर शुड बी अवॉयड ना वि ब्लैक बॉक्स टू यू एस इरान दैन ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है टेन थाउजेंड कैमल्स टू बी किल्ड इन ड्रॉट हेट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में कैमल्स नहीं मिलते हैं नेटिव एनिमल नहीं है कैमल्स वहाँ पर लेके गए थे सो दैट ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो बट जब रेलवे लाइन्स और रोड्स आ गए तो ये टेलीफेन यूजलेस हो गए हमारे लिए तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनको ऐसे ही छोड़ दिया वाइल्ड में फ्री अब इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है कैमल्स की और ये सारा पानी पी लेते हैं वहाँ पर बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट है तो जो लोकल कम्यूनिटी है उसको प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ दीज कैमल्स तो ना वो कह रहे हैं कि हम इन कैमल्स को कल कर देंगे कल का मिलिंग होता है सिस्टेमेटिक किलिंग तो इन कैमल्स टेन थाउजेंड कैमल्स को मारने की वहाँ पे बात चल रही है देन दिस इज़ पेज नंबर फिफ्टीन म्यूचुअल फंड्स देन मारुति का आउटपुट इंक्रीज हो रहा है राइजिंग ऑयल प्राइसेस में हिट बजट मैथ इंडिया में अगर अभी सेवेंटी डॉलर अब बैरल है इसका प्राइस और इंक्रीज होगा तो हमारे फिजिकल डेफिसिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकती है यूएस एस ईरान्स पार्ट टू इम्पैक्ट आईटी सेक्टर एचएफएस आईटी जो होता है ना ये कॉस्ट है तो जब भी बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है इकोनॉमी डाउन हो रही है तो सब कॉस्ट कटिंग करते हैं और जो आई टी सर्विसेज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो इकोनॉमी बुरा चल रही है सो तो अगर ईरान के साथ वॉर हो गया तो देयर कुड भी रेमिफिकेशन नाउ इधर ये लिखा है इंडियन टैक प्रोवाइडर कैन कॉन्टिन्यू टू ग्रो अब द ग्लोबल एवरेज इफ दे एफिशेंटली एक्सप्लोर देयर वेंटेज पॉइंट सच इज एक्सेस टू टैलेंट लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप एंड फोकस ऑन डिजिटल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इससे ये इस क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं नाउ पेज नंबर सिक्सटीन इज शो के दिस इज अगेन शोकेस दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज स्पोर्ट्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो टेक केयर